बिहार की नई सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए गए मेवालाल चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन पर शपथ ग्रहण के बाद से ही भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विपक्षी पार्टियां और खासकर आरजेडी ने सवाल खड़े किए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। इस बीच गुरुवार को पदभार ग्रहण करने के कुछ ही देर बाद मेवालाल चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महज एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी, जनादेश के माध्यम से बिहार ने हमें एक आदेश दिया है कि आपकी भ्रष्ट नीति, नियत और नियम के खिलाफ आपको आगाह करते हैं। महज एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। अभी तो 19 लाख नौकरी, संविदा और समान काम समान वेतन जैसे अनेकों जन सरोकार के मुद्दों पर मिलेंगे। जय बिहार, जय हिंद। एक और ट्वीट में तेजस्वी यादव ने लिखा, मैंने कहा था ना, आप थक चुके हैं, इसलिए आपकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है। जानबूझकर भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाया, थू-थू के बावजूद पदाभार ग्रहण कराया, घंटे बाद इस्तीफे का नाटक रचाया। असली गुनाहगार आप हैं, आपने मंत्री क्यों बनाया? आपका दोहरापन और नौटंकी अब चलने नहीं दी जाएगी।